पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अदनग्न होकर जमकर विरोध किया। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इंदौर में कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। बैलगाड़ी यात्रा के बाद अब कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर और पेट्रोल पंप के बाहर अदनग्न प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला नेत्री प्रदर्शनकारियों से किला लड़ाती रहीं। कई बार प्रदर्शनकारियों के साथ महिला कार्यकर्ताओं की बहस भी हुई। कि हम भी अभी भी वही सरकार, वही गरीब लोग हैं। उन लोगों को आज 85 रुपये लीटर पेट्रोल लेना पड़ रहा है, 73 रुपये लीटर डीजल लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार 31 रुपये वैट टैक्स ले रही है और यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर हैं जयंत मलैया जी, वो कहते हैं कि हम एक पैसा कम नहीं करेंगे भले चाहे कुछ भी हो। और वहीं पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 63 रुपये का पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, तब ये लोग अर्धनग्न अवस्था में आए थे। आज हम इस पेट्रोल पंप पर अर्धनग्न अवस्था में यह गाना गा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप लोग भी याद करें, अभी भी वही गरीब लोग, वही मध्यम वर्गीय लोग हैं। आप अभी तक क्यों चुप बैठे हुए हैं? आप खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अब कांग्रेस सड़क पर आग उतर गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर अब कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। एमपी में सियासी वनवास खत्म होने की उम्मीद में मोर्चा संभाल लिया है। पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने अदनग्न हालत में ढोलक झांझ मंजीरे बजाकर गाना गाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। जब ये लोग विपक्ष में थे, जब पेट्रोल के दाम बहुत कम हुआ करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिस प्रकार मोदी जी सड़कों पे आए, बैलगाड़ी में सफ़र किया, और आज सबसे हाईएस्ट पेट्रोल का रेट हो गया, डीजल का रेट हो गया। आम व्यापारी, किसान, मजदूर और जितना छोटे तबके का लोग है दुखी हो गया है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल का जिस तरह से, अच्छा सरकार का घमंड देखिए कि सरकार को कितना घमंड हो गया है कि वो कहते हैं जब 30 रुपये तुम दे रहे हो, प्रदेश सरकार ले रही है, शिवराज जी रोज़ रोने उठते हैं 7.5 करोड़ जनता के, और किस प्रकार से मार कर रहे हैं टैक्सों की। ये सरकार केवल उद्योगपतियों को, अरबपतियों को लाभ पहुंचा रही है, गरीबों को हमेशा नुकसान करा है इन्होंने। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने गरीबों को बर्बाद किया है, मध्यम वर्गीय परिवार को चोट पहुँचाई है। इस मौके पर छोटे यादव, अनूप शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल मिलाकर चुनावी साल में कांग्रेस लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। अब देखना होगा कि चुनाव में इन मुद्दों का असर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।